अडानी ग्रुप के शेयर्स पे, अडानी की बास्केट पे हमने पहले भी करी हुई है चर्चा। अभी जो गिरावट आई है उसमें एक बड़ी गिरावट अडानी के शेयर्स में भी आती हुई दिख रही है, और वो जाहिर सी बात है कि जब बहुत तेजी से जो चीज भागी थी तो वो गिरावट में बहुत तेजी के साथ में गिरेगी भी। तो सर्किट टू सर्किट ऊपर की तरफ थे, अब सर्किट टू सर्किट नीचे की तरफ है। अडानी बास्केट में के क्या व्यू है उस पे, और उसमें से कोई स्टॉक्स, कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा है जिसको कि आप ट्रैक कर रहे हैं और जहां पे कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी निकल रही है, चाहे वो खरीदारी के साइड हो चाहे वो बिकवाली के साइड? देखिए सर, अदानी में मैं अभी एक मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि 1995 से और आज 2022 तक जो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी ग्रुप ने दिया है तो वो अदानी आ गया है। अदानी ने इतना स्प्लिट वगैरह की है, बहुत सारी कंपनियां अपनी दी उस डिवाइडेशन में, रिस्ट्रक्चरिंग में, कि सारी अदानी ट्रांसमिशन और ये सारी कंपनियां लोगों को मिली अदानी एक्सपोर्ट करके एक कंपनी लिस्ट। तो सर मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय में भी ये शांत नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि ये एक ग्रुप रह सकता है जिसमें कि आपको फायदा मिल सकता है नीचे के लेवल्स में आने पर। तो अगर आपको कोई स्टॉक खरीदने हैं, लाइक अदानी पंद्रह, हमने उसमें 350 पर एंट्री की, 700 750 पर हमने कहा भी कि आप थोड़ा बहुत होल्ड कर लीजिए, अभी आजकल डाउन सर्किट लग रहा है पोस्ट रिजल्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिए क्योंकि रिजल्ट्स वैसे ठीक थे, थोड़े से दिखने से खरीद मतलब दिखने से थोड़े से क्यू एन क्यू वीक थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक निकल रही है। जो चीज 350 एक महीने में 700 750 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, तो आपको जाहिर सी बात है वो हो सकता है कि 400 450 500 जल्दी आती हुई दिखाई दे। तो दिस विल बी द लेवल्स जहां पर कि अदानी ग्रुप को आप करेंगे। उसके पीछे दो तर्क है अदानी बिल्मर में कि जो मैं अभी रिजल्ट भी पढ़ रहा था उसमें चावल और प्रो बिजनेस में यानी कि आटे के बिजनेस में इनका करीब 5 से 6% मार्केट शेयर ऑलरेडी हो चुका है और 10% मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 साल के पूरे इंडिया के कंजम्पशन का 10% आटा और चावल तो ये कंपनी अपने हाथ लेने वाली है, कोहिनूर ब्रांड भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है डेफिनेटली मतलब जो कि आपके रडार पर रखना चाहिए, रिवर्स आ रहा है, आप हो सकता है कि जब इसके इसमें प्राइस हो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा अपने एक्युमुलेशन के फेस में दोबारा आ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस हो रहे हैं मेबी कि दिस विल बी कॉम्पेंसेटेड। ठीक है, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं सर? AWL में अगर मेरे को खरीदारी करनी है तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी SIP जैसा या कुछ ऐसा छोटे छोटे थोड़े थोड़े उसमें बैचेस में खरीदारी करता चला जाऊं? देखिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर जो खरीदारी के लिए बनता है तो ये 550 से लेके और 410 तक की रेंज में आप धीरे धीरे, अभी तो इसको लगने दीजिए 1-2 दिन सर्किट और अगर लगता है तो, और मैं तो चाहूंगा कि ये नीचे आ जाए क्योंकि हमें भी मतलब इसको बाय करना है। तो 550 और 410 की रेंज में अगर ये आ जाता है रेंज बड़ी है लेकिन उसमें SIP में हम धीरे धीरे लेंगे सो दैट कि एक पोर्टफोलियो हमारा तैयार हो जाए एंड देन फिर भूल जाएंगे, फिर अगले 1-2 साल मुझे नहीं टच करना। ठीक है, तो खरीदारी करेंगे लेकिन कहाँ से करना शुरू करेंगे और किस लेवल तक करते रहेंगे? एक बड़ी रेंज है, वो रेंज अभी शुरू नहीं हुई है, तो मौका आएगा और उम्मीद उसी की हम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विवेक जी, उन लेवल पे, उन स्तरों पे आने के बाद में खरीदारी करना शुरू करेंगे और उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में ही खरीदेंगे क्योंकि एवरेजिंग करते जाएंगे, कहीं ना कहीं एक बार बल्क में नहीं खरीदना है, कुछ नहीं पता गिरावट कहां तक जा सकती।